Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हो स्तुति प्रभु आपकी आराधना हो हालेलुया हालेलुया हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हो धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 हो थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद 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 लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड वी प्रेज योर नेम हालेलुया Lord, we bless you. Lord, we praise you. Lord, we bless you. Lord, we exalt your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Saryo loko sade rab nu धन धना के गावो सारे लोको साडे रब नू धन धना के गावो ओ दियो स्तत दे विच सबो होश आवाज नल गावो साड़ी जिंदगी नू हयाती साड़ी जिंदगी नू हयाती आपता फरमावे आपता फरमावे साड़े पैरा नू खुदावंद तिलकण तो बचावे सारे लोको साडे रब नू धन धना के गावो ए खुदावंद तू ते सानू ए खुदावंद तू ते सानू आपी है अजमाया आपी है अजमाया ताया तू अजे हसानू ज्यों रुपे नू ताया सारे लोको साडे रब नू धन धना के गावो साडियां लोकां ते दुख वदा साडियां लोकां ते दुख वदा फाही विच फसाया फाही विच फसाया तू यो साडे सिरां ते लोकां नू चढ़ाया तू यो साडे सिरां ते लोकां नू चढ़ाया सारे लोको साडे रब नू धन धना के गावो पानी अग विच पैयासी
पानी अग विच पाया सी सब पर खुदाया तूए सब पर खुदाया तूए सानू कड के चंगे थां विच आप पुजाया तूए सानू कड के चंगे थां विच आप पुजाया तूए सारियों लोको रब नू धन धना के गावो सेखतनी कुर्बानी लैके सेखतनी कुर्बानी लैके तेरे घर विच जावा तेरे घर विच जावा तेरे आगे ऐ खुदावंद नजरा सब चढ़ावा तेरे आगे ऐ खुदावंद नजरा सब चढ़ावा सारे लोको साडे रब नू धन धना के गावो जेड़ी अपने मूह मनिया जेड़िया अपने मूह मनिया दुख जद सिर ते आया दुख जद सिर ते आया ओ सबे गुजारांगा मैं मेरे पाक खुदाया ओयो सबे गुजारांगा मैं मेरे पाक खुदाया पाले होए बच्चे बकरी पाले होए बच्चे बकरी पेड़ां दी खुशबोई पेड़ां दी खुशबोई सेखतनी कुर्बानी रब तेरे अगे टोई सेखतनी कुर्बानी रब तेरे अगे टोई सारे लोको साडे रब नू धन धना के गावो ओ दियो स्तत दे विच सब खुश आवाज नाल गा हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे हजूर में आते हैं खुदावन हम तेरी बाट जोते हैं तेरी राहें देखते हैं तेरी हजूरी तलाशते हैं खुदावन हालेलुया खुदावंद नूडीकदी रे आराम नल मेरी जान खुदावंद नूडीकदी रे आराम नल मेरी जान कि उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान ओ मेरी जान दा केला है ओ मेरी जान दा
अकेला है न जाते पनागा, न जाते पनागा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। खुदावंद नू उड़ीकदी रे आराम नल मेरी जान, खुदावंद नू उड़ीकदी रे आराम नल मेरी जान, खुदा तो मेरी है नजात, खुदा तो मेरी है नजात, है उस तो मेरी शान, है उस तो मेरी शान, खुदावंद मेरी पना है जोर मेरे दी चट्टान, खुदावंद मेरी पना है जोर मेरे दी चट्टान, खुदावंद नू उड़ेक दी रे आराम नल मेरी जान, ते उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान, आसो दे उत्ते रखो सब, आसो दे उत्ते रखो सब, ए उम्मतो सदा, ए उम्मतो सदा, झुकावो दे अग्गे दिल के ओ है खुदा, झुकावो दे अग्गे दिल के ओ है खुदा, खुदावंद नू उड़ीकदी रे आराम नल मेरी जान, खुदावंद नू उड़ीकदी रे आराम नल मेरी जान, ते उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। साबा राहिते नेरे गला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मिलके जबूर 40 गाते हैं, जबूर 40 गाते हैं। हालेलुया। मैं सबर दे नाल सरख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी, ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ के ले आया बार, ओ खतरे दे टोए ते खोबे है मैनू कढ के ले चट्टान पे रखे पैर मेरे,
ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਮੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਦੀ ਬਥੇਰੇ ਮਨ ਇਹ ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ ਯਸੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਇੰਤ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆ ਦੋਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਈਏ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦ हालेलुया तेरी हजूरी से मोहब्बत करते हैं खुदावंद तेरी हजूरी को हम ढूंढते हैं खुदावंद तेरी हजूरी के तालिब हैं तेरी हजूरी के मुश्ताक हैं तेरी हजूरी के प्यासे हैं खुदावंद हालेलुया खुदावंद हम तेरी हजूरी को ढूंढते हैं खोजते हैं खुदावंद जैसे हरनी जल के नालों को खोजती है जल के नालों की तालिब है मुश्ताक है वैसे खुदावंद हमारी जान तेरी मुश्ताक है खुदावंद तेरी हमद करते हैं तेरी तारीफ करते हैं तेरे नाम की मदा सराई करते हैं तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद हालेलुया हमारी खुशी तू है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों का सुकून तू है हमारी तसल्ली तू है हमारा इत्मीनान तू है खुदावंद हम तुझे ही ढूंढते हैं हम तुझे ही चाहते हैं तेरी चाहत है खुदावंद दिल की गहराइयों में तेरी तलब है खुदावंद हालेलुया हालेलुया क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ शाद होती हैं तेरे हजूर में यसु नासरी Hallelujah. Lord, I find the purpose and the meaning to my existence. This life is worthless. This life is meaningless, Lord. There is no color in life if you are not my life. Jesus is my life. Jesus has to be my life. And the life that I now live, your servant says, for I have been crucified with Christ Jesus. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. He lives the life by faith of the Son of God. Not the faith of human being, but the faith of the Son of God, heavenly faith. And that life is, it is Jesus living his life in us. Hallelujah. Who loved me and who gave himself for me. Lord, we thank you for your glorious love. This life is yours. This body is your tabernacle. This body, Paul the Apostle asked a question. Know ye not that ye are the temple? So I answered Paul the Apostle. Yes, I know that I am the temple. I am the Mishkan. Hallelujah. Khudavand, teri haikal hai, tera mishkan hai hum. Tere rehne ki jagah hai, Khudavand. Khudavand, tu vaas kar. Hum mein vaas kar. Bas mujh mein, तेरा रूप बसे मेरी नस नस में मेरी रग रग में दिल जान बदन में दिल जान बदन में गाइए तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए शिंगार है यसू मसीह
तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है, बस मुझ में, बस मुझ में, रच मुझ में, रच मुझ में, दिख मुझ में, दिख मुझ में, तेरा खून रचे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन में, जान बदन में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तू मेरा प्यार है, यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार। बाला साहित्य ने हालेलुया, हालेलुया। ओ दी है कल दे विच होवे सना, ओ दी उस्तत दी फजा दे विच गावो सना, यसू रब दी हालेलुया सना गावो। ओ दी है कल दे विच होवे सना, ओ दी उस्तत दी फजा दे विच गावो सना, यसू रब दी हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यसु को मसा से तेरे, तू सिखाता रहे, तू बताता रहे, दूं जलाल मैं यसु को मसा से तेरे, मसा से तेरे, जब तू जुम्बश करे मुझ पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, 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 यसु मेरा खुदा वो सदा बा वफा, मुझको नाज़िन किया बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा, जब तू जुम्बश करे, रे बाला सा खातर मुझ पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते, यसु की परस्तिश, यसु तेरी इबादत, तेरी हम्द मदा सराई, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तू महान, अति पवित्र,
अति पवित्र अति पवित्र याहुशा मशेयाक याहुशा मशेयाक आई एक्सॉल योर नेम आई ग्लोरिफाई आई एक्सॉल योर नेम I glorify King of all kings, the bread of life, the light of the world, the door, the way, the good shepherd. You lay down your life for me. I am so grateful, Lord. Lord, I find no words to thank you for your goodness towards me. Lord, my sins, they were enormous. My iniquities, Lord, they were incalculable. My unrighteousness was greater than the mountains. My iniquity was deeper than the seas. You forgave me, Lord. You forgave me in your blood and you gave me new life. Lord, I exalt you. Lord, I glorify you, for there is none like you. You are a forgiving God. You are slow to anger and abounding in love. Even in your anger, Lord, even in your hot displeasure, even in your wrath, you remember mercy. Man's wrath is so dangerous and so terrible. But even in your wrath, Lord, your wrath is not kind of a petulant anger. Your wrath even is righteous. Lord, you did not deal with me according to my iniquities. You never paid me back what I deserved. Father, you gave me what Jesus deserved. Father, you gave Jesus what I deserved. I rightly deserve the crown of thorns. I deserve those lashes that fell upon his back. I deserve the nail. I deserve, Lord, that shame, guilt, ignominy, contempt of people. They were sneering and jeering at you. They were mocking at you, mortal men, little tiny lump of clay. They were mocking the creator of the universe. I deserve, Lord, that parade of shame and agony. You did no wrong, Jesus. You walked an impeccably pure life upon the earth. You walked full of light, full of glory. That was my portion which you took on the cross of Calvary. कितनी अजीब ये दास्तां कितना नो खाये वास्ता तेरी सलीब से खुल गया मेरी शिफाओं का रास्ता मेरी शिफाओं का रास्ता मेरे दर्द गम को लिए हुए लटका है ये सुसलीब पर ए मेरे दिल अब देख ले यह पाक प्यार सलीब पर आ आ आ मेरे दर्द
को लिए हुए लटका है ये सुसली। खुदावंद तेरे कोड़े हमें चंगा करते हैं, हमारी चंगाई उतनी ही रियल है जितने रियल तेरे कोड़े हैं। खुदावंद तेरे कोड़ों की कुदरत को खोल, शफा दे अपने लोगों को, कोड़ों की कुदरत को खोल। वो कोड़े मेरी शिफा बन गए, वो कोड़े मेरी शिफा बन गए, वो कांटे मेरी बका बन गए। आ गया वो करीब, सांस से भी करीब, आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। बोले यसु आ, मैं अपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार तेरा है मुही, इश्क तेरा है मुहीर, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। खुदावंद तू चंगाई का चश्मा है, यू आर द फाउंटेन ऑफ हीलिंग, यू आर द फाउंट ऑफ न्यू लाइफ लॉर्ड, यू आर द रिवर फ्लोइंग लॉर्ड विद ग्लोरी एंड मैजेस्टी। लॉर्ड स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड ओवर योर पीपल, लॉर्ड दोज हु आर प्रेइंग, दोज हु आर इंटरसीडिंग, दोज हु आर सीकिंग योर फेस राइट नाउ ऑनलाइन, लॉर्ड पार्डन योर पीपल लैविशली। लॉर्ड योर डिलाइट इज टू पार्डन, योर डिलाइट इज टू फॉरगिव एंड गिव न्यू लाइफ। You are never pleased with the death of a sinner, but you want they all should repent and turn to you. But Lord, it is you who will draw a man unto you. It is you, Lord, who would initiate the drawing. Unless you draw, nobody can come unto you. So we pray for your drawing. Lord, draw men and women, children and old, people of all ages, people of all walks of life. We pray, draw men and women unto you in the earth these days. Draw people unto you out of all the nations of the earth. This is your time of drawing people to you. Jesus, we exalt you. We lift you up. As we lift you up, you draw all men unto you. You draw people of all nations, people of all ages, people of all civilizations, people of all culture, people of all religion, people of all walks of life, people from all generic pools, Lord, you pull them up to you, Lord Jesus, we pray. May you release your grace, Lord. May you release your kindness, Lord, upon the earth. May your anger relent, Lord. May your anger relent, Lord, we pray. May your anger relent. Lord, may you visit the earth. May you pour out your compassion and love and kindness. And may this be a grand season of winning souls for your kingdom. May there be the birthing of a great awakening in the earth, Lord God. Khudavan tera ruh zameen mein, zameen ki qaumon mein aise kaam kare. Khudavan tera rehm barse.
खुदावंद तू दया कर दे, कृपा कर दे ज़मीन की कौमों पे। हम ज़मीन की कौमों के लिए इंटरसीड करते हैं, मैनकाइंड को माफ़ कर दे खुदावंद, माफ़ कर दे खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा के क्षमा कर खुदावंद। हम खड़े होके अपने आप को खुदावंद दुनिया की कौमों के संग आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉक्सी में आते हैं खुदावंद, उनके संग आइडेंटिफाई करके हम तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बदकारियाँ गुनाह लानते हैं कबूल कर लेते हैं, वो बुरे राह खुदावंद जो हमने चुने उन्हें कबूल करते हैं, बुरी रविशें गंदे काम खुदावंद तू बख्श दे स्वर्ग से खुदावंद, अपनी अनुग्रह को अपनी ग्रेस को रिलीज़ कर खुदावंद, तेरे रूह की कुदरत काम करे, तेरा जलाल उतरे, तेरी कुवत उतरे खुदावंद, एक अजीम काम हो ज़मीन के अंदर खुदावंद, एक अजीम लोगों को खुदावंद तेरा रुआ मिले, दर्शन मिले। बहुत सारी रूहें खुदावंद तुझे जिनोनली ढूंढ रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत से सवाल हैं, तू उन्हें जवाब दे खुदावंद, दर्शन दे खुदावंद, बहुत सारे लोगों को दर्शन दे, अपने चरणों में खींच खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र कर, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे जिंदा नाम की तारीफ। खुदावंद तेरे लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय खुदावंद, तेरे लहू की जय, लहू की जय। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू, 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 थैंक यू। प्रभु अपने दर्शन, अपनी आवाज, प्रभु वचन के नाम से खुदा। हालेलुया, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। थोड़े दास के नाल गल्ला कर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेट थोड़ा दास लोगों के कोम कोम दे, कोमा कोमा जी मनाओ, कोमा कोमा जी मनाओ, मांगते हैं प्रभु को बड़ा सहायता ला सगा सब पूरे देगे दल लेके गए धीरे के ला 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 गसा ना सका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी, हालेलुया। Bless you, Jesus. Bless you, bless you, bless you, bless you, Jesus. Hallelujah. 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे खुदावंद तेरे कलाम के द्वारा हमसे बातें करना, खुदावंद अपने कलाम को खोलना, तेरे लोगों तक तेरी आवाज़ को पहुंचाना, खुदावंद फरिश्तों को एंगेज करना, तेरे लहू का बाड़ा लगाना खुदावंद, तेरे कलाम की कुदरत कुवत लोगों की ज़िंदगियों को बदले, लोगों की ज़िंदगियां अंदर से तब्दील हों खुदावंद। अंदरूनी ज़िंदगी में जो बदकारियां हैं, चतराई है, चलाकी है, घमंड है,
हरामकारी या गंदे काम है, खुदावंद वो अपने कलाम की कुव्वत से धोना लोगों के अंदर, तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से एक बड़ा अद्भुत मैं संदेश आपके साथ बांटने जा रहा हूं। सात वो लेवल्स डिमेंशंस जिसमें हम खुदावंद के संग चलते हैं, और यू वुड से सेवन प्लेसेस वेयर वी वॉक विद गॉड, और यू वुड से सेवन डिमेंशंस वेयर वी वॉक विद गॉड, उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। अगर आप पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पत्री के 11:10 अध्याय में प्रेरित पौलुस बात करता है बनी इसराइल की। बनी इसराइल जब बियाबान में घूमते हैं, इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि वो बियाबान की कलीसिया थे। इसराइल जो बियाबान में घूमता है वो बियाबान की कलीसिया है। तो जो बियाबान की ये कलीसिया है जिसमें शायद 25-28 लाख या 30 लाख लोग थे, मूसा उनका अगुआ था, हारून याजक था, हूर उसके साथ था, और जाशुआ एक और लीडर था, यूथ लीडर था उनके संग में। तो इस कलीसिया के अंदर क्या अद्भुत बातें थी। इस कलीसिया में भाई और बहनों, एक तो जलाल का बादल उतरता था, स्वर्ग से जलाल उतरता था और कलीसिया को ढांकता था, तंबू को, खेमा को ढांकता था, और परमेश्वर की कौम को भी ढांकता था, और रात को आग का खंभा उतरता था। और इस कलीसिया में तीसरी अद्भुत बात क्या थी, जब सुबह होती थी तो स्वर्ग खुलता था और मन्ना बरसने लगता था, जिसे इसराइली लोगों ने 40 वर्ष खाया, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई कमज़ोर नहीं हुआ, किसी को थकावट नहीं हुई। फिर खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, एक चट्टान थी, अबदी चट्टान, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, वो चट्टान उड़ के इसराइल के संग चलती थी। परमेश्वर अपनी इस कलीसिया को, बियाबान की कलीसिया को, स्वर्ग से इसका मार्गदर्शन करता था और स्वर्ग से खाने के लिए देता था। पहला कुरिन्थियों में 10 अध्याय के 11 वचन में हम 5 ऐसे पापों के विषय में पढ़ते हैं। इसराइल ने 5 ऐसे पाप किए कि परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया। हालेलुया। तो इसराइल की यात्रा हम देखेंगे, इसराइल की जो यात्रा है मरुभूमि में वो आपकी और मेरी यात्रा है, और उसके समान अंतर हम रखेंगे यीशु मसीह की यात्रा, यीशु मसीह का जीवन। हालेलुया। और उसके समान अंतर हम रखेंगे अपना जीवन, जैसे हम प्रभु में आए, पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, यीशु के लहू से धुले, हमने नया जन्म पाया, और हम भी प्रभु के पीछे एक आत्मिक यात्रा पे चल पड़े, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़े। वैसे इसराइल चला, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह, क्या लिखा कलाम में, जब वो 30 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, लुका की इंजील 3 अध्याय के 21-22-23 वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह 30 वर्ष का हुआ तो वो यर्दन के तट पे आया, और वो उसका कज़न था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसने उसके हाथों से बपतिस्मा लिया। अगर आप गिनती की पुस्तक 4 अध्याय का 30वां वचन और 30वां वचन Numbers 4:3-30 पढ़ेंगे तो वो वचन हमें बताता है, लावी बनने के लिए, याजक बनने के लिए जो परमेश्वर ने उम्र मुकर्रर की थी वो 30 साल की थी। 30 साल की उम्र के बाद ही आप परमेश्वर की सेवा के लिए मखसूस किए, ऑर्डेन किए जा सकते थे। तो यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में यर्दन में आके बपतिस्मा लिया। हालांकि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा जो था, इट वॉज बैप्टिज्म अनटू रिपेंटेंस, वो पश्चाताप का बपतिस्मा था। किस चीज़ का बपतिस्मा था? पश्चाताप का बपतिस्मा। यीशु मसीह पाप रहित परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह, आपको मालूम भाई और बहनों, इस प्लेनेट पे आने वाला इकलौता ऐसा बंदा है यीशु मसीह, जिसको कभी किसी को ये नहीं कहना पड़ा, आई एम सॉरी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को कभी किसी को ये कहना नहीं पड़ेगा,
आई एम सॉरी, क्योंकि यीशु मसीह तमीम, परफेक्ट, कामिल, मुकम्मल, संपूर्ण परमेश्वर का मेमना है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई घटी नहीं है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना से, मत्ती 3:1-2 में और मत्ती 3:15 में, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 3:15 में कहते हैं, राइचसनेस के लिए ये होने दे, धार्मिकता के लिए ये होने दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम इब्रानियों की पत्री 7 में मलकी सिदक का ऑर्डर है। मैंने आपको एक दिन बताया था, दो तरह के याजकों के घराने हैं, एक हारून का घराना है, उसमें से याजक पैदा होते हैं, जो भी याजक बनेंगे हारून के खानदान में उनका पैदा होना जरूरी है। लेकिन एक और खुदावंद का स्वर्गीय ऑर्डर है, एक हेवनली ऑर्डर है याजकों का, वो है द ऑर्डर ऑफ मलकीसेदक। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने आपको शिक्षा दी, राजा दाऊद ने जो तंबू बनाया वो अद्भुत तंबू था, वो तंबू लोगों की नेकेडाई के आगे विजिबल था, यहोवा परमेश्वर अपने लोगों में आ गया बेपर्दा होके, और ऐद के संदूक के आगे 24 घंटे गाने वाले गाते थे, बजाने वाले बजाते थे, और गोल्डन और वहाँ पे और कुछ नहीं था, केवल ऐद का संदूक था। उस ऐद के संदूक के आगे आराधना होती थी, प्रस्तुति होती थी, इबादत होती थी दाऊद के तंबू में। आपको मालूम दाऊद के तंबू में मनोरा नहीं था, 7 candlestick नहीं थी, शू ब्रेड का टेबल नहीं था, गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस नहीं थी, वहाँ पे जगवेदी नहीं थी, कुर्बानी नहीं होती थी कोई। दाऊद के खैमा में, दाऊद के खैमा में सिर्फ इबादत होती थी, परस्तिश होती थी, और वो भी 24/7। राजा दाऊद ने 8 पहरों में बांटा हुआ था, 3-3 घंटे की शिफ्ट चलती थी, याजक लेवी पुरोहित सेवा करते थे खुदावंद के आगे, और खुदावंद के आगे गीत गाए जाते थे, साज बजाए जाते थे, और खुदावंद के हजूर में परस्तिश की जाती थी 24/7। 24 याजकों का, मैंने आपको इस पे भी टीचिंग दी, 24 याजकों का ऑर्डर एस्टैब्लिश किया राजा दाऊद ने, जो हारून का घराना है उसमें से 2 याजकों के, एक के 16 बेटे, एक के 8 बेटे, उनसे राजा दाऊद ने 24 का ऑर्डर शुरू किया, जिसे ऑर्डर ऑफ द मेलकीसेदक कहते हैं। ये वही 24 प्राचीन हैं जो यहोवा के सिंहासन के आगे हैं। हालेलुया। मलकीसेदक का जो याजकों का घराना है वो हारून के याजकों के घराने से कहीं सुपीरियर है। हालेलुया। जब जब हारून के याजकों के घराने में पाप आया तो परमेश्वर ने हारून के याजकों के घराने की लाइन को काट दिया। जैसे एली के समय, एली के समय यहोवा ने क्या किया, एली के बेटे मर गए, एली भी मर गया, तो हारून का जो घराना था याजकाई का वो ख़त्म हो गया। तो परमेश्वर ने मलकीसेदक सरीखा एक याजक खड़ा किया जिसका नाम है सैमुएल। आपको मालूम क्या लिखा बाइबल में लिखा, सैमुएल पहाड़ों पे ऊंचे स्थानों पे जाके यहोवा को कुर्बानियां चढ़ाता था। ऊंचे स्थान को हिब्रू में कहते हैं बामा, और आपको मालूम बामा जो ऊंची जगहें हैं वो यहोवा की नज़र में घिनौनी हैं, अबामिनेबल हैं। यहोवा नहीं चाहता था ऊंचे स्थानों के ऊपर धूप जलाई जाए या जगवेदी बना के कुर्बानियां चढ़ाई जाएं, यहोवा ने यह मना किया था। लेकिन मलकीसेदक सरीखा जो डिवाइन ऑर्डर है उसको यहोवा परमिशन देता है। मलकीसेदक की ऑर्डर की जो याजक हैं वो अलग हैं, उनके पास एक परमेश्वर की स्पेशल ऑथराइजेशन है। तो टेम्पल तो ख़त्म हो गई थी शिलो की, लेकिन फिर भी सैमुएल यहोवा के आगे मिनिस्टर करता रहा। हालेलुया। मलकीसेदक ऑर्डर ऑफ द प्रीस्टहुड इज फार मोर सुपीरियर देन द लेविटिकल सिस्टम दैट केम थ्रू द जीन्स ऑफ एरन। द मलकीसेदक ऑर्डर ऑफ द प्रीस्टहुड सुपरसीड्स द ऑर्डर ऑफ अर्थली प्रीस्टहुड। ये जिस्मानी याजकों की एक लाइन है, मलकीसेदक की आसमानी स्वर्गीय याजकों की एक लाइन है। हालेलुया,
हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह इब्रानियों 7 अध्याय में लिखा है मलकी सिदक सरीखा महायाजक है। वो तो लेवी के गोत्र से नहीं है यीशु मसीह, यीशु मसीह तो यहूदा के गोत्र से है, लेकिन फिर भी स्वर्ग का प्रधान महायाजक है यीशु मसीह। स्वर्ग में एक महायाजक है भाइयों और बहनों, जो आपका बड़ा भाई है, मेरा और आपका बड़ा भाई है, उसका नाम है यीशु मसीह। स्वर्ग में जो याजकी काम होता है उसमें यीशु मसीह आपकी पिता के आगे सिफारिश करता है। जो हम प्रार्थनाएं पिता को ऑफर करते हैं, यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं को पिता के आगे इंटरसीड करके, मीडिएट करके ऑफर करता है। मत्ती 3:16 में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पे उतरा। किसी के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई नहीं उतरा सिवाय यीशु के। इसका अभिप्राय क्या है? वो जो जेंटल डव है उसका मतलब है इनोसेंस, होलीनेस एंड प्योरिटी। यीशु मसीह निर्दोषता, पवित्रताई और शुद्धता का प्रतीक है। परमेश्वर का वो मेमना जिसमें ना दाग है, जिसके अंदर ना झुर्री है, ना धब्बा है, ना ब्लेमिश है, मुकम्मल कामिल परमेश्वर का मेमना है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक उतरा। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा के अभिषेक ने यीशु मसीह को भर दिया। तो उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, वहीं से पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहाँ ले गया? पवित्र आत्मा उसी समय यीशु मसीह की अगुवाई करने लगा और यर्दन से सीधा पवित्र आत्मा यीशु मसीह को बियाबान में ले गया। मत्ती 4:1 में। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहाँ ले गया? लूका 4:1 में पढ़िए, मत्ती 4:1 से पढ़िए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को यहूदिया के पहाड़ पे ले गया जहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा हो। हालेलुया। यीशु मसीह की परीक्षा हो। आपको मालूम इज़राइल, लाल समुंदर फटा, अद्भुत काम हुए, फिरौन की सेना मर गई, इसराइलियों ने लाल समुंदर में बपतिस्मा लिया। पता आपको? पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है वो बपतिस्मा था, बैप्टिज्म ऑफ मोसेस, मूसा का बपतिस्मा जो इज़राइल ने लिया, और परमेश्वर ने उनको शत्रु के हाथ से छुड़ा दिया। लेकिन कहाँ, कौन सी यात्रा शुरू होगी इज़राइल की? विल्डरनेस की, मरुभूमि की। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहाँ ले गया? मरुभूमि में। इज़राइल को कहाँ ले गया पवित्र आत्मा? मरुभूमि में। भाई और बहनों, आपकी और मेरी भी मरुभूमि में परीक्षा होगी। टेस्टिंग जरूरी है, ट्रायल जरूरी है, वहीं परखा जाएगा। आपको मालूम कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है मरकुस 4:18-19 में, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेज, दौलत का धोखा। लोग दौलत से प्यार करते हैं, दौलत इकट्ठा, अपना जो करियर बनाते हैं, जो कुछ जीवन में करते हैं, उसके पीछे एक टारगेट होता है कि बहुत सारी दौलत इकट्ठी की जाए, क्योंकि लोगों का विचार है बहुत सारी दौलत आने के बाद जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, लग्जूरियस हो जाएगा, ऐशो आराम की हर एक चीज़ इकट्ठी की जाए। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं मरकुस 4:18-19 में कि रिचेज के अंदर, दौलत के अंदर धोखा है, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेज, एक ऐसी चीज़ है दौलत के अंदर जो धोखा देती है। फिर यीशु मसीह दूसरी बात बताते हैं संसार की चिंता। प्रभु बताते हैं झाड़ियों की मानिंद है, प्रभु बताते हैं वो बीज जो झाड़ियों में गिरा वो दब गया संसार की चिंताओं ने, फिक्रों ने, दौलत के लोभ के भ्रम ने लोगों को पकड़ लिया, जकड़ लिया। आपको मालूम जब यीशु मसीह मरुभूमि में 40 दिन रहा, पहाड़ों के अंदर था, जूडियन वैली में, पहाड़ के ऊपर, यीशु मसीह बिल्कुल अकेला था। जब पवित्र आत्मा से भरा, सारी दुनिया देख रही थी उसे, लेकिन जब आपका ट्रायल होगा आप अकेले होंगे। हालेलुया। लोग हो सकता आपको छोड़ दें, आपका ट्रायल अकेले का होगा। हालेलुया। 12 अध्याय निर्गमन में इज़राइल मिस्र से निकलता है, उसके बाद उनकी बियाबान की यात्रा शुरू हो जाती है, विल्डनेस जर्नी,
बियाबान का सफर शुरू हो जाता है। पढ़िएगा आप एक वचन, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 22, 15 अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसका 22 वचन, और मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 वचन। 15-22 बता रहा है इज़राइल चला गया बियाबान में। निर्गमन 15:22 में लिखा है इज़राइल बियाबान में चला गया, मत्ती 4:1 में लिखा है यीशु मसीह बियाबान में चला गया। बियाबान में आपका टेस्ट होगा, परखे जाओगे आप। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले गया ताकि वह शैतान के हाथों अजमाया जाए। शैतान के हाथों अजमाए जाने का जो प्रोग्राम था वो शैतान ने नहीं बनाया, पवित्र आत्मा ने बनाया। आपकी परीक्षा हो ये पिता की मर्जी है, ये शैतान आपको दाव नहीं लगा रहा, ये पिता चाह रहा था। हालेलुया। बियाबान में आपका ट्रायल होगा, आपको अकेले खड़े होना पड़ेगा, और बियाबान में आपको मालूम किस चीज़ का सहारा होगा, सिर्फ और सिर्फ यहोवा के कलाम का। आप कलाम के द्वारा जयवंत होंगे। आपको मालूम शैतान जब बियाबान में यीशु मसीह के पास आया, 3 बार उसने क्या कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तू इन पत्थरों को कहे तो ये रोटी बन जाए, अपने आप को यहां से गिरा ले अगर तू। शैतान ने आके परमेश्वर के कलाम पे सवालिया चिन्ह लगाया, यीशु मसीह के मन में शक पैदा करना चाहा, संदेह पैदा करना चाहा। लेकिन यीशु मसीह शैतान के ऊपर कैसे जयवंत हुआ, यीशु मसीह ने शैतान को ये नहीं कहा शैतान दूर हो जा, क्या तू नहीं जानता मैं तो यीशु मसीह हूँ, क्या तू नहीं जानता कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने शैतान को हराया कलाम से। जब उसने बपतिस्मा लिया उसे अभिषेक मिल गया, लेकिन बियाबान में विजय अभिषेक से नहीं हुई, बियाबान में विजय होगी कलाम के द्वारा। अभिषेक अपनी जगह काम करेगा, कलाम अपनी जगह काम करेगा। यीशु मसीह बियाबान में शैतान से लड़ता है कलाम से। 3 आयतें शैतान बोलता है, यीशु मसीह भी शैतान को जवाब परमेश्वर के जिंदा कलाम से देता है, और यीशु मसीह शैतान के ऊपर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। यर्दन में अनॉइंटिंग चलेगी लेकिन मरुभूमि में कलाम चलेगा। आपको परमेश्वर का कलाम इस्तेमाल करना है, हमें जीना है परमेश्वर के कलाम के द्वारा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के कलाम को सीखें, प्रभु के कलाम का अध्ययन करें, और परमेश्वर के कलाम को हथियार बनाएं। परमेश्वर का कलाम लड़ाई का हथियार है। ये जो मल्लयुद्ध है हमारा लहू और मांस से नहीं है, जो हमारी ये लड़ाई है ये लहू मांस से नहीं है। हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, लड़ाई लड़ने के लिए सामर्थ्य हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के हथियार हैं। उन हथियारों को हमने पहनना है और उन हथियारों के संग युद्ध करना हमने सीखना है। यीशु मसीह ने युद्ध किया कलाम के हथियारों से। और लूका की इंजील 4:13 में क्या लिखा है, वहाँ लिखा शैतान यीशु मसीह को छोड़ के चला गया, वो सीज़न की तलाश करने लगा कौन से सीज़न में दोबारा आए। यीशु मसीह को छोड़ के चला गया क्योंकि वो हार गया। हालेलुया। सो यीशु मसीह कलाम से लड़ा। फिर लूका 4:14 में लिखा है यीशु मसीह वहाँ से लौटता है बियाबान से, और यीशु मसीह कहाँ जाता है, गलील में। ये मैं अलग अलग लेवल बता रहा हूँ। अब गलील में आ गया यीशु मसीह शैतान को हराने के बाद। वचन में क्या लिखा है, वचन में लिखा है एक बड़ी खास बात है, मैं चाहता हूँ पढ़ें आप लूका 4:14, लूका की इंजील उसका 4:14। हालेलुया। लूका 4 उसका पहला वचन पढ़ता हूँ, सुने। एंड जीसस बीइंग फुल ऑफ द होली गोस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम जॉर्डन एंड वॉज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस। मत्ती 4:1 में लिखा है पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया यीशु मसीह जब यर्दन से आया, पूरे का पूरा पवित्र आत्मा यीशु मसीह में समा गया। यीशु मसीह को मिन के नहीं दिया गया पवित्र आत्मा, सारी परमेश्वरताई यीशु मसीह में सदैव वास करती है, वो संपूर्ण रीति से भर गया पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को किधर ले गया, बियाबान में। ये पिता की मर्जी है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है कि
टेस्ट किया जाए, ट्रायल किया जाए, परखा जाए। और आपको मालूम 40 दिन 40 रात यीशु मसीह वहीं रहा। और अगर एक वचन और मैं आपको देना चाहता हूँ, 4:14 पढ़ें। अब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। 13 में लिखा है, एंड व्हेन द डेविल हैड एंडेड ऑल द टेम्पटेशन, जब शैतान की अजमाइशें ख़त्म हो गईं, एंड ही डिपार्टेड फ्रॉम हिम फॉर अ सीज़न, वो थोड़े समय के लिए यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। तो 14 में क्या लिखा है, 14 में लिखा है, एंड जीसस रिटर्न्ड इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन टू गैलिली। पहले वचन में मत्ती लूका 4:1 में लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर के गया, लेकिन 14 में लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से वापस लौटा। जब शैतान पे यीशु मसीह ने जय पाली, विजय पाली, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ कब एक्टिवेट होती है, जब आप परीक्षा में जयवंत होते हो, जब आप परीक्षा में विजयी होते हो, फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ एक्टिवेट हो जाती है, आप पवित्र आत्मा की कुवत से भर जाते हैं। यीशु मसीह बियाबान में गया पवित्र आत्मा की भरपूरी में, यीशु मसीह लौटा बियाबान से पवित्र आत्मा की कुवत सामर्थ से भर के। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह सीधा अपने होम टाउन चला गया, नासरत। हम थोड़ी देर के बाद फिर लौटेंगे और इस कलाम को हम कंटिन्यू करेंगे, लूका 4:18-19 से इसके अगले सेगमेंट पे हम मनन करेंगे। हालेलुया। तो थोड़ी देर के बाद फिर हम लौटेंगे और थोड़े समय प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु के वचन पे मनन करेंगे। तो मे बी शायद हम 4 या 4:30 की रेंज में एक और सेशन करेंगे। तो प्लीज़ कम बैक अराउंड 4:30, 4:30 वापस लौटिएगा। ये जो 7 जगहें हैं हमारी यात्रा की, ये इज़राइल की यात्रा के 7 लेवल्स हैं, यीशु मसीह की यात्रा के 7 लेवल्स हैं और हमारी मसीह यात्रा के भी 7 लेवल्स हैं। तो मैं फिर लौटूंगा 4:30, हम फिर थोड़े समय प्रभु की परस्तिश करेंगे, आराधना करेंगे और वचन मनन करेंगे। आप सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया।